सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की स्थापना 1 नवंबर 1975 को सीआईएल की 5 सहायक कंपनियों में से एक सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। अब ये कंपनी देश के विकास में सहायक साबित हो रही है। जैसे ही केंद्र सरकार ने तय किया सबका साथ सबका विकास, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड रांची मुख्यालय ने संभावनाओं के हर उस दरवाजे को खोल दिया जहां से विकास लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। सीएमडी गोपाल सिंह के नेतृत्व में सीसीएल लगातार 3 वर्षों से कोयला उत्पादन में अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए डबल डिजिट में वृद्धि दर्ज करते आ रहा है। उत्पादन में वृद्धि हुई तो सेवा की प्राथमिकताएं भी तय की गई। ये निश्चित किया गया कि सबसे पहले ग्रामीण, गरीबों और श्रमिकों का हो संपूर्ण विकास, किसी भी वर्ग और समुदाय का ना छूटे हाथ। इरादे नेक थे तो अनेक उम्मीदों ने जन्म लिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 77 कायाकल्प योजनाओं के माध्यम से पिछले 3 साल से सरकार की कल्याणकारी मंशा को साकार करने में जुटी है सीसीएल। कहते हैं बालक मनुष्य का पिता होता है, तो शुरुआत हुई सीसीएल के 54 स्कूलों में पढ़ रहे 40,000 बच्चों से। भविष्य को संवारने की इस कोशिश में सीसीएल के लाल और सीसीएल की लाडली योजना से लेकर आईआईटी संस्थान तक बच्चों को लेकर जाने के अपने सफल प्रयासों में संस्थान ने किसी अभाव को आड़े नहीं आने दिया। विकास चहुमुखी होता है। जो बच्चे खेलकूद में आगे हैं उनको ओलंपिक 2024 के स्वर्ण पदक हासिल करने के हिसाब से तैयार करने की रणनीति बनाई गई। झारखंड सरकार के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 178 प्रतिभाओं की ट्रेनिंग जारी है। अब जो लोग बचे उनके कौशल को सीसीएल ने समझकर और उसको विकसित करने का फैसला लिया और शुरू हुई कौशल विकास योजना। आईटीआई भुरकुंडा में इलेक्ट्रिशियन तैयार करने की ट्रेनिंग शुरू हुई तो गांधीनगर में माननीय राष्ट्रपति ने मोटर ड्राइविंग क्लास को हरी झंडी दी। यानी युवाओं को स्किल संपन्न बनाने के लिए सीसीएल हर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। झारखंड के कई ग्रामीण युवा सुरक्षा संस्थानों में चयन के लिए भी सीसीएल के ट्रेनिंग कैंपों से जुड़ चुके हैं। पिछले 3 साल में सीसीएल ने 802 शिविर लगाए जिनमें करीब 1,36,110 मरीजों का निशुल्क इलाज किया गया। गांधीनगर सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में हर महीने प्रख्यात चिकित्सक भी पहुंचकर निशुल्क सेवा देते हैं। ढोरी पिपरवार के बाद अब रांची में दिव्यांग सेंटर खुलने जा रहा है। 4 राज्यों के 6,352 स्कूलों में 11,850 शौचालय बनवाकर सीसीएल ने सरकार के स्वच्छता अभियान के संकल्प को सार्थक कर दिया। पर्यावरण के क्षेत्र में भी सीसीएल जी जान से काम कर रही है और अब तक 78,00,000 पौधों का रोपण किया जा चुका है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाना हो, आधुनिकतम बनाना हो या फिर डिजिटाइजेशन करना हो, सीसीएल अव्वल रहना चाहता है। इसीलिए समाधान केंद्रों पर और हर महीने के अंतिम गुरुवार को आपका दरबार लगाकर वो समस्याओं के समाधान को खोजता है। सजेशन बॉक्स के जरिए बेहतरीन सुझाव की प्रतीक्षा करता है। तो आपने देखा आचरण किसी संस्थान को उपलब्धियों से कैसे भर सकता है। पिछले 3 सालों में सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड ने इस बात को प्रमाणित किया है।